नहीं, आज नहीं। ऐसा है कि आप कल अपने पति को लेके आइए, कल ही उनका नसबंदी का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है? हाँ, कल। ओके ओके। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। हालांकि रिप्रोडक्शन का नाम सुनकर जितना अच्छा लगता है, यह उतना ही जटिल और लंबा प्रक्रिया है, जिसमें संभोग करना, स्पर्म का निकलना, स्पर्म का अंडे से मिलना, इसके बाद बच्चे का विकास होना, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद तब कहीं जाकर रिप्रोडक्शन पूरा होता है। अगर सरल भाषा में कहें तो किसी जीव द्वारा अपने जैसे जीव का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन। एक मिनट। क्या बात है, रिप्रोडक्शन का नाम लिए नहीं कि प्रेमी जोड़े दिखाई पड़ गए। लगता है रिप्रोडक्शन का क्लास आज यहीं होने वाला है, एकदम लाइव। ओ माय गॉड, सच में आजकल का प्यार बहुत फास्ट हो गया यार। कोई बात नहीं, हम सिर्फ अपने काम की बातों पर फोकस करेंगे, यानी कुछ सीखेंगे। इससे पहले कि हम इस लाइव क्लास को देखें, उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातों जैसे कि लिंग का खड़ा होना, सेक्स करते समय स्पर्म का निकलना, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे आप जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे का कार्यक्रम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह रिप्रोडक्शन का पहला चरण है, जिसमें महिला और पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जिससे पुरुष का लिंग महिला के योनि में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद स्खलन के दौरान पुरुष अपना स्पर्म योनि के अंदर ही निकाल देता है। आपको बता दें कि एक स्खलन के दौरान निकलने वाले शुक्राणुओं की औसत संख्या लगभग 100 से 300 मिलियन होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोचोगे, गर्भधारण के लिए तो केवल एक शुक्राणु की जरूरत होती है, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अब इन शुक्राणुओं का होने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक रेस, जिसमें लाखों शुक्राणुओं की बलि चढ़ने वाली है। तो चलो बिल्कुल करीब से इस रेस को देखते हैं। सभी शुक्राणु अपने अधिकतम स्पीड 3 मिलीमीटर प्रति घंटा, जी हाँ दोस्तों, 3 मिलीमीटर प्रति घंटा। अब आप सोचोगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक रेस और स्पीड केवल 3 मिलीमीटर प्रति घंटा, तो मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। ये स्पीड हमारे और आपके लिए बहुत कम हो सकता है, लेकिन 0.05 मिलीमीटर लंबाई वाले शुक्राणु का तो सोचो, उसके लिए इतना स्पीड बहुत है। अब रेस देख लें। सभी शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के पास पहुंचते हैं, जिसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे सर्वाइकल ओयस कहा जाता है, जिसमें से कुछ शुक्राणु ही एक साथ अंदर जा सकते हैं। सभी शुक्राणुओं में से केवल 60 से 80 मिलियन शुक्राणु ही इसमें प्रवेश कर पाते हैं, और बाकी शुक्राणुओं का योनि के अम्लीय वातावरण के कारण दुखद अंत हो जाता है। अब जो शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसका नाम है गर्भाशय ग्रीवा बलगम। यह बलगम कमजोर और असमान शुक्राणुओं को इस रेस से बाहर कर देता है। सभी शुक्राणुओं में से केवल 1 लाख शुक्राणु ही गर्भाशय ग्रीवा को पार करके गर्भाशय में पहुंच पाते हैं, जिसमें से लगभग 200 शुक्राणु ही फैलोपियन ट्यूब में जा पाते हैं और बाकी शुक्राणु रास्ता भटक कर गर्भाशय में ही खो जाते हैं। अब शुरू होता है इन 200 शुक्राणुओं का फाइनल राउंड। यदि समय सही रहता है और एक अंडा ओविलेशन प्रक्रिया के बाद फैलोपियन ट्यूब में मौजूद रहता है, तो सभी शुक्राणु अंडे को निषेचित करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इन शुक्राणुओं में से कुछ शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब के दीवार में लगे बाल जैसे संरचना वाले सीलिया में उलझ जाते हैं। अंत में कुछ शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाते हैं और उनमें से सबसे ताकतवर शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाता है। अब वह अंडाणु के साथ मिलकर एकल कोशिका का निर्माण करता है। लगभग 24 घंटे बाद कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 4 दिन लगातार विभाजन के बाद यह 30 कोशिकाओं का एक गेंद बन जाता है। जब अंडा गर्भाशय की दीवार के पास पहुंचता है, तो अंडे की बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय की परत पर आक्रमण करता है और यह प्लेसेंटा में विकसित हो जाता है। अब इसके बाद 9 महीने का इंतजार करो, अपनी पत्नी का केयर करो और फिर अपने मेहनत का फल पाओ। और हमको भी बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में नसबंदी का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है और आगे भी ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट के वीडियो आते रहेंगे।